Nation has individual capabilities. Individual capabilities and responsibility. This differs from to servers, in which computers are dedicated to serve the other peer-to-peer. Network are generally simple but usually do not offer the same performance under heavy loads. तो क्या समझ में आया आपको? जो भी समझ में आया बताएं। हाँ सर जो पी टू पी है वो एक सिंपलेस्ट नेटवर्क कनेक्शन है, क्रिएटेड है दो कंप्यूटर की शेयरिंग रिसोर्सेस। सर देखिए, सही सही हाँ समझ देखिए, में आया। हाँ लास्ट टाइम मैंने बताया था पीयर टू पीयर एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें जिसमें जितने भी कंप्यूटर हों, 2 हों 10 हों 20 हों, उनका स्टेटस सेम रहता है। पीयर का मतलब भी सेम होता है, पीयर का मतलब होता है सेम, ठीक है। वो रिसोर्सेज शेयर कर सकते, जैसे प्रिंटिंग सर्विसेज है, फाइल शेयरिंग है, ठीक है, इस तरह के रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक किसी भी कंप्यूटर का कंट्रोल दूसरे कंप्यूटर का नहीं होता। एवरी कंप्यूटर हैज इक्वल स्टेटस, इक्वल पावर, ये होता है पीयर टू पीयर। समझ आई बात? पीयर टू पीयर का मतलब होता है कि ईच कंप्यूटर हैज सेम पावर, ठीक है। दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, नो नो वन कंप्यूटर कैन होल्ड अनदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। ये ठीक है। पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट क्या? हाँ, यहाँ पे जरा देखें, ये जरा समराइज में लिखा हुआ। पी टू पी नेटवर्क, अ नेटवर्क वेयर टू और मोर पीसीज आर कनेक्टेड एंड शेयरिंग रिसोर्सेज विदाउट अ सेपरेट सर्वर। एड होमिक कनेक्शन, एग्जाम्पल ऑफ पी टू पी नेटवर्क वेयर अ फ्यू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द ट्रांसफरिंग फायर। ये सर ये जो घर वाले का फोन की मतलब बात हो रही है ना। नहीं, मतलब कंप्यूटर की बात हो रही है, कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें तमाम कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, लेकिन किसी भी कंप्यूटर में ये पावर नहीं है कि दूसरे को कंट्रोल करे, ये होता है पीयर टू पीयर एड हॉक कनेक्शन का मतलब ये रहा, ठीक है, टेम्परेरी। ओके, एग्जांपल ये लिखा हुआ ऑफ हाँ, थर्ड, ठीक है, इक्विवेलेंट जी वर्क सेशन, इक्विवेलेंट वर्क सेशन लिखा है, इसमें देखें ये पढ़े। हाँ, इक्विवेलेंट वर्क सेशन, ईच वर्क स्टेशन इन टू पी टू पी नेटवर्क हैज इक्वल कैपेबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए आगे ना इक्वल का वर्ड, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये वो नेटवर्क है जिसमें हर कंप्यूटर की कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है, या पावर सेम होती है, ठीक है। ओके, डिफरेंट फ्रॉम क्लाइंट सर्वर एंड आर्किटेक्चर। अनलाइक टू पी टू पी, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हैव डेडिकेटेड कंप्यूटर सर्विंग। सिंप्लिसिटी वर्सेस परफॉर्मेंस, पी टू पी नेटवर्क आर जनरली सिंपलर बट मे नॉट परफॉर्म वेल एज अंडर हैवी लोड्स। अंडर हैवी लोड का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर बढ़ जाए तो वहाँ पे ये बेटर परफॉर्म नहीं करता, इसीलिए फिर हम क्लाइंट सर्वर की तरफ चले जाते हैं। किसी तरफ चले जाते हैं? क्राइम सर्वर, हाँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इशू होता है सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है ना, ये लेस सिक्योर है। ये देखें, एक यहाँ पे एक डिवाइस है जिसके थ्रू सारे कनेक्टेड है, ठीक है। अभी क्लाइंट सर्वर पढ़ लें, अभी क्लाइंट सर्वर की डिटेल है जिसमें एक कंप्यूटर सर्वर होता है और बाकी कंप्यूटर क्लाइंट होते हैं। सर्वर जो है वो सर्विसेज देता है बाकी कंप्यूटर, बस क्विकली गो थ्रू करें फिर आगे टॉपिक पे जाते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल, अ डिस्टर्बेंट एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर ड्राइविंग टास्क बिटवीन सर्वर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड एंड द क्लाइंट सर्विस रिक्वायर्ड क्लाइंट सर्विस आर्किटेक्चर ईच कंप्यूटर और प्रोसेस ऑन नेट इधर क्लाइंट और अ सर्वर सर्वर पावरफुल कंप्यूटर्स और प्रोसेस मैनेजिंग रिसोर्सेज लाइक डिस्क ड्राइव फाइल सर्वर प्रिंटर प्रिंट सर्वर और नेटवर्क ट्रैफिक नेटवर्क नर्व्स क्लाइंट पीसी और वर्क स्टेशन वेयर द यूजर्स रन एप्लीकेशन डिपेंडेंसी क्लाइंट रिलाई ऑन सर्वर्स टू रिसोर्स सच फाइल्स डिवाइस एंड प्रोसेस पावर. तो क्या समझ में आपको ये सारी टर्म दी हुई? इनके कहने का मतलब, सर हाँ देखिए, एक होता है क्लाइंट, देखो देखा ना, क्लाइंट क्लाइंट वो पीसी होते हैं जो हाँ सर्विसेज डिमांड करते हैं। क्लाइंट वो पीसी होते हैं जो सर्विसेज उनका, डिमांड करते हाँ हैं. यानी सर्विस, जैसे मुझे फाइल चाहिए, फाइल शेयर करनी है, प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर शेयर करना है, कुछ और कोई और हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर शेयर करना है, वो मेरी डिमांड है। क्लाइंट आर पीसी और वर्क स्टेशन वेयर यूजर रन एप्लीकेशन, इसका मतलब है कि यूजर जो है सर्वर से कोई ना कोई सर्विस डिमांड करेगा और उसको यूज करेगा। और सर्वर वो कंप्यूटर है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमारे लिखा ना सर्वर, डिफरेंट सर्वर लिखे हैं, वर्थ आइडिया। यस सर. ये एक डिफरेंट कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, उनमें एक कंप्यूटर जो है ना वो सर्वर है जो सर्विसेज दे रहा है बाकी कंप्यूटर। अब ये पढ़े प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। Private network. Private network, a computer of network that uses private ID, commission uses, typically used in a local area network lanes or for homes, office, and enterprises. IP version, both IPv4 and IPv6 define a private IP address range. सर IPv4 और IPv6 क्या होता है? हाँ मैं बता रहा, एक सेकंड, ठीक है। पहले तो जो हमारा अपने पीछे पढ़ा था ना लोकल एरिया नेटवर्क, याद है, लैन, एक ऐसा नेटवर्क जो विद इन दी बाउंड्री एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो लैन बेसिकली आपका प्राइवेट नेटवर्क हो, कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, हर कंप्यूटर का अपना एक एड्रेस होता है। ये जो एड्रेस होते हैं ना दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक लॉजिकल होता है। ये हम आगे जाके डिटेल पढ़ेंगे। हर कंप्यूटर का, जैसे आप लैपटॉप यूज कर रही हैं, मोबाइल यूज कर रही हैं, इन सब का अपना अपना एक एड्रेस होता है। एक एड्रेस उसका फिजिकल होता है और एक उसका लॉजिकल होता है। ये जहाँ पे मैं बनाता हूँ, यानी जब हम एड्रेस की बात करेंगे, ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक लॉजिकल होता है। अब चूंकि आईपी की बात कर रहे हैं तो आईपी जो है ना लॉजिकल होता है। आईपी क्या होता है, लॉजिकल होता है। इसमें लॉजिकल इसमें दो वर्जन आते हैं, सर एक आईपी फिजिकल क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, आईपी फिजिकल नहीं होता क्योंकि ये चेंज हो जाता है। फिजिकल वो एड्रेस होता है जो परमानेंट होता है। फिजिकल का मतलब क्या है, परमानेंट, सर आईपी का मतलब है इन ये नहीं इंफॉर्मेशनल पर्सनल राइट. नहीं इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल होता है जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है।
इसमें ना दो वर्जन है, आईपी वर्जन 4 है और आईपी वर्जन 6 है। तो पहले शुरू में ही आईपी वर्जन 4 आया था। अब आईपी वर्जन की जो नंबर ऑफ डिवाइसेस थी ना 4 बिलियन है। तो अब आपके पास दुनिया में 4 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस होगी, मतलब 8 बिलियन होगी, मे बी इससे ज़्यादा होगी। तो आईपी वर्जन 6 जो है वो 4 बिलियन से ज़्यादा एड्रेस देता है। आईपी वर्जन 4 और 6 में जो मेन डिफरेंस है वो एक तो नंबर ऑफ डिवाइसेस की सपोर्ट है, नंबर ऑफ डिवाइसेस की सपोर्ट है, सपोर्ट है। यानी 4 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस होगी। जैसे एक बंदे के पास दो दो अलग मोबाइल हैं तो, या दो लैपटॉप हैं, तो इसका मतलब उसको 4 एड्रेस तो चाहिए ना। तो हाँ अब जाहिर है नंबर ऑफ डिवाइसेस इंक्रीज होती जा रही, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो नंबर ऑफ डिवाइसेस भी इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए आईपी वर्जन 6 को रिप्लेस कर रहा है, आईपी वर्जन 6 4 को रिप्लेस कर रहा है 6। पहली बात आपने याद रखनी कि एड्रेसेस दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल और एक लॉजिकल। अभी ये अभी तो ये डिटेल में आगे आएगा ना। फिजिकल क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, यानी फिजिकल वो होता है जो कंप्यूटर का परमानेंट एड्रेस होता है। तो फिजिकल में बेसिकली आता है कंप्यूटर का परमानेंट एड्रेस का मतलब क्या है? मैक एड्रेस। देखिए जहां आप रहती हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस है, हाँ, वो होता कंप्यूटर है का कैसे परमानेंट? नहीं दो बार, हर डिवाइस का एक परमानेंट एड्रेस होता है जिसको कहते हैं मैक एड्रेस। क्या कहते हैं, मैक एड्रेस? नाम सुना मैक एड्रेस का? नहीं, मैं सोचता हूँ हर कंप्यूटर के पास सीरियल कोडिंग का नंबर होता है। हाँ हर ये देखें लैपटॉप में, अब जाहिर है आप लोगों ने केबल नहीं देखी ना, केबल कनेक्टिविटी नहीं देखी। हाँ, पहले जितने भी कंप्यूटर होते थे ना वो केबल से कनेक्ट होते थे, लैपटॉप भी केबल से कनेक्ट होते थे जब वाईफाई नहीं था, और अभी भी ऐसा ही है। तो हम जो कनेक्टिविटी करते हैं, एक तो फिजिकल कनेक्टिविटी करते हैं डिवाइस की, वो होती है केबल के थ्रू। केबल जिस पॉइंट पे अटैच होती है ना, जिस चाहे वो लैपटॉप हो या सीपीयू, जिस जगह पे वो अटैच होती है वहाँ एक सर्किट बोर्ड होता है, उसको कहते हैं लैन कार्ड। क्या कहते हैं, लैन कार्ड, या उस लैन कार्ड का अपना एक फिजिकल एड्रेस जिसके थ्रू हम उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये फिजिकल एड्रेस, ये आपके मोबाइल का भी फिजिकल एड्रेस होता है, ये लैपटॉप का भी होता है, ठीक है, यानी उसका डिवाइस नंबर कह रहे हैं। अब देखें आप घर से बाहर जाती हैं, जब आप घर से बाहर जाएंगे ना तो आप जहां पे भी नेट यूज करेंगे, इंटरनेट यूज, आपको एक आप जो है ना, आप आईपी एड्रेस है, बीइंग इंडिविजुअल यू आर द आईपी एड्रेस, अच्छा, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है। आप जहां भी मूव करेंगे, आपको घर से स्कूल गई या ऑफिस बाजार गई, कहीं पर भी गई, आपको एक नया एड्रेस दिया जाएगा, हमेशा एक नया एड्रेस मिलेगा जब भी आप इंटरनेट यूज करेंगे। तो वो ओके। होता है, हाँ वो चेंज हो जाता है एवरी टाइम चेंज। तो इसमें भी लॉजिकल की बात करें ना, तो इसमें भी दो एड्रेस आते हैं, एक डायनेमिक आता है और एक फिक्स आता है। बीइंग अ यूजर, आप जब भी कहीं कनेक्ट होंगे इंटरनेट से, आपको एक लॉजिकल, एक डायनेमिक एड्रेस असाइन कर दिया जाएगा, और वो होगा आईपी। और आपके मोबाइल का जो फिक्स एड्रेस है ना, वो फिजिकल एड्रेस। हर मोबाइल का, हर लैपटॉप का, हर कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है और वो फिक्स होता है। लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपके पास आईपी एड्रेस होना जरूरी है, ठीक है, आप कहीं पे भी हो आपको एक आईपी एड्रेस दे देते हैं, और वो जो आईपी एड्रेस दिया जा रहा है वो डायनेमिक आईपी एड्रेस। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो फिक्स आईपी एड्रेस ले लेती है, ये वो कंपनीज होती है जो सर्विसेज देती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, जो भी वेब सर्विसेज दे रहा है ना उसके पास फिक्स आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, व्हाट द आइडिया। तो यहाँ बताने का मकसद है कि आईपी वर्जन, बोथ आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 हैव डिफाइंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। हम लैन के अंदर इन दोनों एड्रेसेस को यूज कर सकते हैं, यानी हमारे लैन के अंदर 30 कंप्यूटर हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 60 कंप्यूटर हो सकते हैं, उनको आपस में कनेक्टिविटी देनी है, तो उसके लिए आईपी एड्रेस को यूज किया जा सकता है। इनके कहने का मकसद ये कि प्राइवेट नेटवर्क, आपका जो लैन होता है ना वो प्राइवेट नेटवर्क होता है, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू आईपी एड्रेस। कंप्यूटर आपस में नॉर्मली कनेक्ट होते हैं आईपी एड्रेस के थ्रू, तो आईपी वर्जन 4 हो या आईपी वर्जन 6 हो, दोनों को यूज किया जा सकता है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब ये पब्लिक नेटवर्क आ गया, पीछे प्राइवेट नेटवर्क था ना, दूसरा है, हाँ, अब ये पब्लिक नेटवर्क आ गया। तो पब्लिक नेटवर्क जो होता है ना, यानी इंटरनेट बेसिकली होता ही पब्लिक नेटवर्क, क्योंकि आपको पब्लिक आईपी एड्रेस दिया जाता है। ये तो
वाईफाई मॉल का या किसी ऑफिस का? वाईफाई हाँ देखिए, वाईफाई तो एक मीडियम है ना जिसके थ्रू हम डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं, यानी मीडिया है। ठीक सर है, वाईफाई और नेटवर्क में फर्क क्या है? नेट देखिए, जब दो डिवाइस कनेक्ट हो जाती है हम कहते हैं इट इज अ नेटवर्क। अब कनेक्ट करने के लिए आपके पास कोई मीडियम होना चाहिए, या तो वायर होगी या वायरलेस होगा। देखिए ये दो डिवाइस है ना, जैसे ये दो डिवाइस रखी हुई है, ये मैंने ऐसी रखी हुई दो कंप्यूटर, इनको मैं कैसे कनेक्ट करूं? ये तो वायर से करेंगे, तो वायरलेस से करेंगे। हाँ अब देखो ना, ये जो लाइन है ना ये मीडिया, इसको कहते हैं मीडियम सोर्स। अब ये जो मीडियम है ना, यहाँ तो वायर होगा या क्या होगा, वायरलेस। वायरलेस आप जो वाईफाई की बात कर रही ना, वो वायरलेस मीडियम, समझ आए? अगर मैं केबल यूज करूंगा तो वायर है। अगर दो डिवाइसेस को मैं केबल से कनेक्ट करता हूँ तो इसको कहते हैं वायर, यानी इनका मीडियम क्या है, हाँ वायर। अगर मैं दो डिवाइसेस को विदाउट वायर कनेक्ट कर दूं, वायरलेस होता है। और वायरलेस में डिफरेंट मेथड होते हैं, एक तो वाईफाई होता है, दूसरा कौन सा होता है, ब्लूटूथ, हाँ इंफ्रारेड भी होता है, रेडियो वेव्स भी होती हैं। ठीक है, ठीक है? ये डिफरेंट मैकेनिज्म है, जिस डिफरेंट मीडियम है जिसके थ्रू मैं दो या दो से ज़्यादा डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आप ठीक है आउट ऑफ द बिल्डिंग या बिल्डिंग के अंदर इंटरनेट को यूज कर रही है ना, इट मीन यू आर पार्ट ऑफ पब्लिक नेटवर्क, यू आर पार्ट ऑफ पब्लिक पब्लिक नेटवर्क। जैसे मॉल में है, बाजार में है, ऑफिस में है, इफ यू आर यूजिंग इंटरनेट इट मीन यू आर यूजिंग पब्लिक नेटवर्क। समझ आई बात? जैसे लिखा पब्लिक नेटवर्क, अ नेटवर्क दैट एनी वन कैन कनेक्ट टू। अब इंटरनेट को कोई भी कनेक्ट कर सकता है अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है। इन्होंने लिखा हुआ था इंटरनेट इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक नेटवर्क। जो लैन होता है ना वो आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है, उसको आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइवेट नेटवर्क वो होता है जिसको आउटसाइडर कनेक्ट ना कर सके। एक्सेस हाँ नहीं कर सकता। ठीक है, और पब्लिक नेटवर्क होता है जिसको कोई भी कनेक्ट कर ले, इंक्लूड इंटरनेट एक्सेस एंड बोथ लोकल एंड ग्लोबल नेटवर्क। लोकल का मतलब आपके घर का नेटवर्क, और ग्लोबल का मतलब है कि आप कहीं मॉल में हैं, वहां से आपने एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे लिखा ना, अ पब्लिक नेटवर्क क्या होता है, अ नेटवर्क दैट इज ओपन फॉर एवरीवन टू टू कनेक्ट। द इंटरनेट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक नेटवर्क। वाईफाई इन कैफे, लाइब्रेरीज और एयरपोर्ट इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अलाउइंग एनीवन विद रेंज टू कनेक्ट। अब वाईफाई की रेंज में कहीं भी होंगी, वाईफाई तो एक मीडियम है ना जिसके थ्रू आप अपनी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कोई ना कोई इंटरनेट डिवाइस लगी होगी ना वहाँ पे जिससे आप कनेक्ट करेंगे। दिस इज पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, आगे चले। अब एक कॉन्सेप्ट आ गया थिन क्लाइंट। अच्छा, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना क्लाइंट सर्वर, ये देखिए ये, अब ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर एक क्लाइंट है। ठीक है, और ये एक सर्वर, ये भी कंप्यूटर है जो सर्विसेज दे रहा है क्लाइंट को। सर्विसेज देने वाले कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं, और सर्विसेज लेने वाले कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, क्लाइंट। ये पॉइंट क्लियर? जो सर्विस देता है वो वो सर्वर है, हाँ, जो सर्वर है, और जो सर्विस लेता है वो क्लाइंट है। ओके जो सर्विसेज अवेल करता है वो क्लाइंट है, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सर्वर है। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब पीछे कॉन्सेप्ट था थिन क्लाइंट। थिन क्लाइंट का मतलब पता है क्या है? जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं ना, उसके पास क्या क्या होता है, सीपीयू होता है और हार्ड डिस्क होती है, स्टोरेज होती है। ठीक है, जो हर कंप्यूटर के पास सीपीयू होता है, इसके पास अपना सीपीयू है जो प्रोसेसिंग कर रहा है, इसके पास अपनी स्टोरेज है, यानी लोकल सीपीयू है जो प्रोसेस करता है और लोकल स्टोरेज जहां पे आप डेटा स्टोर करते हैं। ये पॉइंट क्लियर? हाँ सर। अगर एक सीपीयू के पास एक कंपनी यानी क्लाइंट के पास लोकल सीपीयू भी हो और लोकल स्टोरेज भी हो, तो हम इसको कहते हैं थिक क्लाइंट। क्या कहते हैं? क्लाइंट और अगर ये दोनों चीजें ना हो, दोनों चीजें, तो ना हो हम कहते हैं थिन क्लाइंट। अब सवाल ये है कि अगर सीपीयू नहीं है, स्टोरेज नहीं है, तो ये दोनों काम कहाँ पे होंगे? ये दोनों काम यहाँ पे होंगे। अगर
एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ रिमोट प्रोसेसिंग हो, रिमोट कहते हैं डिस्टेंस को, रिमोट प्रोसेसिंग हो और स्टोरेज हो। इसका मतलब इस क्लाइंट के पास सीपीयू नहीं है प्रोसेस करने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है स्टोर करने के लिए, ये हमेशा डिपेंडेंट रहेगा सर्वर पे प्रोसेसिंग के लिए और स्टोरेज के लिए। तो वो क्लाइंट जिसके पास ना स्टोरेज हो ना प्रोसेसिंग हो, उसको क्या कहेंगे? थिन क्लाइंट। क्या कहेंगे? थिन ठीक क्लाइंट। और अगर उसके पास अपनी ही स्टोरेज है, अपनी ही प्रोसेसिंग है, तो हम कहेंगे थिक थिक क्लाइंट। ठीक है, समझ आई बात? नहीं हाँ, आई? नहीं आई? फिर मेरा आंसर नहीं आया। आई मीन से लोकल बता। स्टोरेज का मतलब क्या है? यानी देखिए, आपका अपना कंप्यूटर है ना, लैपटॉप यूज कर रही हैं आप, हाँ आपके अपने कंप्यूटर में अगर डेटा स्टोर हो रहा है तो हम कहते हैं लोकल स्टोरेज। समझ आई? ओके और आपके अपने कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो रही है तो हम कहेंगे लोकल प्रोसेसिंग। अगर असल में ये वाला कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई होता है जो लोग ऑफिस में काम करते हैं। अब कंपनी ने कहा कि हम किसी भी पर्सन को ये अलाउ नहीं करेंगे कि उसका अपना पर्सनल पीसी हो। पीसी का मतलब उसके पास अपनी प्रोसेसिंग पावर हो या स्टोरेज स्टोर करने की कैपेबिलिटी हो। उसके कंप्यूटर में ना स्टोर होगा ना प्रोसेस होगा, ये कंपनी ने डिसाइड कर लिया। अब लेकिन वो सर्विसेज तो यूज, ठीक अब वो काम तो करेगा ना, काम करने का मतलब है उसको प्रोसेसिंग भी चाहिए स्टोरेज भी चाहिए। तो लोकली ना स्टोरेज होगी ना प्रोसेस होगी, ऐसा क्लाइंट होता है थिन क्लाइंट। क्या होता है? थिन क्लाइंट क्लाइंट, यानी मैं यह दोबारा लिख देता हूँ। थिन क्लाइंट का मतलब है एक ऐसा क्लाइंट विच हैज नो लोकल स्टोरेज। ठीक है, यानी अपने कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर नहीं कर सकता, लोकल, नो लोकल प्रोसेसिंग। तो फिर ये दोनों काम कहाँ पे होंगे? सर्वर पे होंगे। कहाँ पे होंगे? सर्वर ठीक ये सर्वर, यानी स्टोरेज भी सर्वर देगा और प्रोसेसिंग भी सर्वर देगा। आप गूगल ड्राइव यूज करती हैं? क्यों? नहीं सर, सर कभी जरूरत ही नहीं पड़ा। हाँ, नहीं मतलब आईडी, गूगल आईडी तो बनी हुई ना, जीमेल आईडी, जीमेल आईडी तो बनी हुई है। जीमेल आईडी जिसकी भी बनी होगी ना, गूगल उसको 15 GB फ्री देता है गूगल ड्राइव के लिए। आपको पता है गूगल ड्राइव का फायदा क्या है? अगर आपने अच्छा, अगर आपने डेटा मूव करना है अपने घर से स्कूल और फाइल्स का साइज है 1 GB, तो आप कैसे मूव करेंगी? मैं हार्ड आपने ड्राइव में डाउनलोड करेगी। हार्ड ड्राइव, नहीं हार्ड ड्राइव तो आपके पास है ना, आप हार्ड ड्राइव लेके जाएंगी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेके जाएंगी। इसका हाँ, नुकसान, इसका नुकसान पता है क्या होगा? आप वहां के कंप्यूटर में लगाएंगे ना, उसमें वायरस आ जाएगा, वो वायरस आपके लैपटॉप में आ जाएगा, है ना? लेकिन मैं एक बात कर, फर्ज करें फिर आपके पास हार्ड ड्राइव नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर हम यूज जीमेल से करें, ट्रांसफर नहीं, करेगी। जीमेल 1 GB नहीं ट्रांसफर करेगा ना, इतनी बड़ी फाइल जीमेल नहीं ट्रांसफर करेगा। पहले तो अपलोड होने में काफी टाइम लग जाएगा, फिर डाउनलोड होने में काफी टाइम लग गया, और अव्वल तो वो जीमेल के थ्रू इतनी बड़ी फाइल ट्रांसफर नहीं होती, उसकी एक लिमिट है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? गूगल ड्राइव। क्या सोल्यूशन है? कि गूगल ड्राइव आप, हाँ, आप अपनी 1 GB की फाइल, 2 GB की फाइल अपलोड कर दें गूगल ड्राइव में, और वहां पे जाके अपना लैपटॉप दोबारा खोले और गूगल ड्राइव से, मतलब अपना लैपटॉप ऑलरेडी आपके पास है, अगर आप नहीं भी लेके जा रही तो वहां के किसी कंप्यूटर में गूगल ड्राइव खोले और डाउनलोड कर दें, है ना? इजी। अब देखें ये जो एग्जांपल है ना, थिन क्लाइंट वाला एग्जांपल है कि गूगल, इसको आप इस तरह समझ रहे, गूगल ने ऑफिस यूज करने, यानी जो ऑफिस के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ऑनलाइन परफॉर्म करने का ऑप्शन दिया हुआ है। गूगल शीट होती है ना, गूगल शीट, हाँ, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, या अब ये गूगल खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपने ये सारा काम सारा ऑनलाइन हो रहा है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा ऑनलाइन है। हो रहा है। तो यही इन्वायरमेंट ऑफिस के अंदर रखा हुआ है कि यूजर जो है अपनी साइट पे ना स्टोर कर सके ना प्रोसेस कर सके। जो कुछ भी प्रोसेस होगा वो सर्वर साइट पे होगा, जो कुछ भी स्टोर होगा वो सर्वर साइट पे होगा। इस तरह के इन्वायरमेंट कहते हैं थिन क्लाइंट। पॉइंट क्लियर?
ओके आप क्लियर है ना? हाँ और अगर आपके पास, अगर कंपनी ने आपको अलाउ किया है लोकल स्टोरेज, ठीक है, और लोकल प्रोसेसिंग, यानी आपको पीसी भी दिया हुआ है, तो इस तरह के एनवायरमेंट क्या कहते हैं? थिक क्लाइंट. क्या कहते हैं? क्लाइंट थिक क्लाइंट. तो ये दो एनवायरमेंट, दो कॉन्सेप्ट है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. हाँ पढ़े जरा. अ क्लाइंट और लीन क्लाइंट लीन क्लाइंट. इज अ वर्क हाँ लीन क्लाइंट, इसको लीन क्लाइंट भी कहते हैं. लीन क्लाइंट इज अ वर्चुअल डेस्कटॉप कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग मॉडल. मॉडल दैट रन्स ऑन रिसोर्सेस स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल सर्वर इंस्टेड ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्स. हाँ नॉर्मली थिन क्लाइंट टेक्स द फॉर्म ऑफ लो कॉस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस दैट हेविली रिलाइज ऑन द सर्वर फॉर कंप्यूटेशन नहीं, कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन तो कंप्यूटेशन देखिए मैंने आपको क्या बताया था, प्रोसेसिंग भी सर्वर पे होगी और स्टोरेज भी सर्वर पे होगी. तो जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, आपके पास सिर्फ मॉनिटर होगा, माउस होगा, कीबोर्ड होगा, और एक बॉक्स होगा जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो रहे हैं सर्वर के साथ. समझ आ रही बात? तो हाँ इससे क्या होगा? ये देखें, ये सब थिन क्लाइंट है. यहाँ कोई सीपीयू नजर आ रहा है आपको? सर नहीं क्लाइंट के पास सीपीयू नजर आ रहा है? यहाँ पे कोई सीपीयू नजर आ रहा है आपको? नहीं वो प्लान के पास नहीं है हाँ, सिर्फ माउस है या कीबोर्ड है, ठीक है, मॉनिटर है, ये थिन क्लाइंट है, ठीक है. ये लॉग इन रिक्वेस्ट जा रही है फाइल सर्वर के पास, ठीक है, इसके पास जा रही है. ये यूजर 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 फाइल, ये डाउनलोड कर रहा है अपनी फाइलें यहाँ से, इसने पहले अपलोड की होंगी. और ये प्रिंटिंग सर्विसेज जा रही है, तो सारी सर्विसेज सर्वर दे रहा है स्टोर करने की, प्रोसेस करने की. आप देखें यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, नो सर्विसेज, नो प्रोसेसिंग, ठीक है, नो प्रोसेसिंग, नो स्टोरेज, लोकल स्टोरेज कोई नहीं है. एवरीथिंग स्टोर हेयर, एवरीथिंग Short स्टोर hair. हेयर, ठीक है, गॉट द आइडिया? तो Yes, sir. दिस दिस एनवायरमेंट इज कॉल्ड, लिखा हुआ है, फाइल कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी क्लाइंट. कोई भी क्लाइंट इस सर्वर से फाइल एक्सेस कर सकता है. पेरिफेरल कैन बी शेड, पेरिफेरल कहते हैं आई इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे ये प्रिंटर लगा हुआ है. इंक्रीज सिक्योरिटी बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू ऑथेंटिकेशन सर्वर, इसमें सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है, इसमें सिक्योरिटी भी सिक्योरिटी ज्यादा है. भी ज्यादा अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे भी इन्वायरमेंट दिया हुआ है, रिमोट डेस्कटॉप, मतलब सब कुछ यहाँ प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे ही स्टोरेज हो रही है, ठीक है. है. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. अब आ गए थिक क्लाइंट, ये जरा पढ़े. A thick client is a form of a client server architecture, especially it is a network of computer system is mostly resources installed locally rather than disputing over network, especially any device that can function completely independently of remote server is a thick client. Every example of the client include desktop PC, laptop, or running Windows or Mac iOS or OS. ओएस कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ओएस को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस जो है वो लैप, वो एप्पल के कंप्यूटर पे चलता है, ठीक है. और हमारे कंप्यूटर पे होता है विंडोज, है ना. आपके वो विंडोज है ना, तो हाँ सर देख. हाँ अब देखो इन्होंने क्या बोला, अ थिक क्लाइंट इज द फॉर्म ऑफ क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर. ठीक, क्लाइंट सर्वर स्पेसिफिकली इट इज अ नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम विद मोस्ट रिसोर्सेज इंस्टॉल्ड लोकली. देखें यहाँ पे
सारे रिसोर्सेस कहाँ स्टोर है? लोकली रादर देन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ नेटवर्क। थिन क्लाइंट में क्या होता है, सर्वर पे ही सब कुछ होता है, स्टोरेज भी वहाँ होती है और प्रोसेसिंग भी वहाँ होती है। एसेंशियली एनी डिवाइस दैट कैन फंक्शन कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली ऑफ अ रिमोट सर्वर इज अ थिन क्लाइंट। यानी मैं अपने ही कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, अपने ही कंप्यूटर पे स्टोरेज कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थिन क्लाइंट। गॉट द आइडिया? यस सर, आगे चले, ये देखें, ये थिक क्लाइंट की एग्जांपल दे रहा है आपको। ये थिक क्लाइंट है, इसके पास अपनी प्रोसेसिंग है, अपनी स्टोरेज है, ये सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, आगे डेटाबेस भी इसके पास है, यहाँ से डेटाबेस एक्सेस कर रहा है सर्वर के थ्रू, ठीक है। आप इसको लिख सकती हैं लोकल स्टोरेज एंड लोकल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ऐसे ही इन्वायरमेंट को कहते हैं थिक क्लाइंट। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे प्रॉस एंड कॉन्स दिए हैं। प्रॉस का मतलब होता है बेनिफिट, कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये पढ़े जरा, पहले थिक क्लाइंट के पढ़े। टेक पॉन्स मोस्ट रिमोट डिवाइस कैन कैरी आउट दोबारा प्रोसेस एक सेकेंड, मोर रोबस्ट, क्या लिखा हुआ है? मोर मोर रोबस्ट डिवाइस कैन कैरी आउटपुट प्रोसेस इवन वेन नॉट कनेक्टेड टू अब सर्वर देखिए, सुने इसका, क्लाइंट इस हैव सुने 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 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्योंकि आपके पास लोकली सब कुछ है ना, लोकली स्टोरेज है, हाँ लोकली प्रोसेसिंग है, तो आप सर्वर के बगैर भी अपना काम कर सकते हैं, है ना। अगर सर्वर अवेलेबल नहीं है तो सर्वर के बगैर भी अपना काम कर सकते हैं, समझ रही बात? क्योंकि आपको, आपके पास लोकल प्रोसेसिंग का ऑप्शन भी है, लोकल स्टोरेज का ऑप्शन भी है। इज दिस क्लियर? ओके अब नेक्स्ट पढ़े, क्लाइंट हैव, क्लाइंट हैव मोर कंट्रोल दे कैन स्टोर देयर ओन प्रोग्राम्स एंड डेटा एंड फाइल सर थिंक क्लाइंट का कोई एग्जाम्पल है नहीं मैंने आपको बताया ना, ये ऑफिसेस के अंदर होता है। ऑफिस वाले चाहते, वो देखते हैं, अगर हम एक नॉर्मल कंप्यूटर खरीदते हैं ना विद प्रोसेसर और विद स्टोरेज, फर्ज करें वो 1 लाख का पड़ता है, कितने का? 1 लाख का हाँ आता है। लेकिन अगर हम प्रोसेसर और क्या नाम है स्टोरेज के बगैर कंप्यूटर खरीदते हैं, वो 50,000 का पड़ता है। कॉस्ट कम हो गई, क्या हो गई? कॉस्ट कम हो गई, हाँ एक। दूसरा सिक्योरिटी, यानी यूजर अपनी जगह, अपनी साइट पे, यानी जिस कंप्यूटर काम कर रहा है वहां ना तो कोई पर्सनल डेटा स्टोर कर सकता है, ना पर्सनल प्रोसेसिंग कर सकता है। सब कुछ कहाँ स्टोर हो रहा है? सर्वर पे। कहाँ स्टोर हो रहा है? सर्वर पर हाँ, तो पीछे मैंने आपको दिखाया था ना, ये बैक साइड चलते हैं, ये देखें, ये देखें सब कुछ कहाँ स्टोर हो रहा है। यहाँ पे आपको कोई सीपीयू नजर आ रहा है? नो सिर्फ सिर्फ ये बॉक्स है जिसके थ्रू आप, इसके साथ ये सर्वर, ये है ना एग्जाम्पल। यानी थिन क्लाइंट एक इन्वायरमेंट है जिसमें कंपनी ने डिसाइड किया है कि यूजर को हमने लोकल स्टोरेज और लोकल प्रोसेसिंग नहीं देनी, हमने सारा डेटा अपने पास रखना है, अपने पास ही प्रोसेस करेंगे, अपने पास ही स्टोर करेंगे। ये दो चीजें होती हैं, समझ आई बात? हाँ लेकिन अगर आप यूजर को ये राइट देते थे कि उसके पास अपना सीपीयू होनी चाहिए, तो 1 लाख वाला कंप्यूटर खरीद लेंगे, ठीक है, और उससे कहेंगे आप लोकल प्रोसेसिंग करें और लोकल स्टोरेज करें। तो वो एग्जांपल है थिक क्लाइंट की। अब आप पढ़ लें इसको। लेस एक्सपेंसिव एंड लेस एक्सपेंसिव टू एक्सपेंड लो पावरिंग एंड चीप डिवाइस कैंट बी यूज अभी सुने, अभी आपको एग्जांपल दी थी ना थिन क्लाइंट की, के उसमें कोई सर्वर, कोई स्टोरेज नहीं होती और कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। यानी ये वाला कंप्यूटर आपको मिलेगा, एक सेकेंड, हाँ, थिक क्लाइंट वाला कंप्यूटर मिलेगा आपको 1 लाख का, कितने का? एक लाख और ये वाला कितने का मिलेगा? 50,000 का। क्यों? इसमें सीपीयू नहीं है और स्टोरेज, हार्ड डिस्क नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ लेस एक्सपेंसिव टू एक्सपेंड।
लो पावर्ड एंड चीप डिवाइसेस कैन बी, क्योंकि सीपीयू नहीं है तो पावर कहाँ यूज होगी, सिर्फ मॉनिटर में यूज होगी, समझ आई? सर एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ ऑफिस वाले थिंक क्लाइंट क्यों इस्तेमाल करते हैं? थिंक एक तो देखिए आपको मैंने बताया, क्लाइंट, हाँ एक तो मैंने बताया, एक तो इशू है कॉस्ट, ये लो कॉस्ट होता है, हाँ दूसरा लेकिन सिक्योरिटी। सर बेहतर नहीं कि तो सिख ही इस्तेमाल करें कि वो ज्यादा पावरफुल है? आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इशू होता है एक कॉस्ट मैटर करता है और दूसरा सिक्योरिटी मैटर करता है। अब कंपनी ने कहा कि हमारे लिए थिक क्लाइंट वाला कंप्यूटर परचेज करना डिफिकल्ट है, हमें 10 कंप्यूटर चाहिए, उसके लिए 10 लाख का बजट चाहिए, वो नहीं है हमारे पास, उसकी जगह हम थिन क्लाइंट सर्वर हैवी ले लेते हैं। उन्होंने कहा सर्वर हैवी ले लो, ठीक है, और हर, क्योंकि मेन कंसर्न सिक्योरिटी भी, हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी का डेटा एम्प्लॉय के पास स्टोर हो, तो कंसर्न क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गया ना, मतलब क्योंकि सारा डेटा सर्वर के पास स्टोर है ना, तो क्लाइंट उसको, एम्प्लॉय उसको अपने अपने साथ कहीं और नहीं लेके जा सकता, वो सिर्फ व्यू कर सकता है, तो सिर्फ क्या कर सकता है, व्यू कर सकता है, डेटा एंटर कर सकता है, लेकिन कहीं लेके नहीं जा सकता, क्योंकि कंपनी ने डिसाइड किया ना, वो या तो थिन क्लाइंट ले ले या थिक क्लाइंट ले ले, समझ आई? हाँ आगे पढ़े जरा जल्दी से। ओके कॉन्स ऑफ थिंक क्लाइंट, आई मीन हाँ ऑल डिवाइसेस आर लिंक्ड टू अ सर्वर, डेटा अपडेटेड एंड न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन डन सेंट्रली, सेंट्रली, हाँ सर्वर कैन ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कैन ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकर, एंड प्रोटेक्शन मालवेयर। अगेंस्ट हैकर एंड मेलवेयर्स। हाँ बेसिकली हैकर जो है वो किसी क्लाइंट को हैक ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तो ना सर्वर, मतलब सर्वर कंप्यूटर ही नहीं है, सब कुछ सर्वर पे है, तो लेकिन इसका डीमेरिट ये है, हाई रिलायंस ऑन सर्वर, अगर सर्वर फेल हो गया या हैक हो गया तो फिर पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, है ना, हाई रिलायंस ऑन द सर्वर, इफ द सर्वर गो डाउन और देयर इज अ ब्रेक इन द कम्युनिकेशन लिंक देन द डिवाइस कैन नॉट वर्क, मतलब नेटवर्किंग एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, डिस्पाइट चीपर हार्डवेयर द स्टार्टअप कॉस्ट आर जनरली हायर देन फॉर थिक क्लाइंट, ठीक है, यानी जो थिन क्लाइंट की जो स्टार्टअप कॉस्ट है ना वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू थिक क्लाइंट, समझ आ रही बात? फिर कह रहा है कि अगर उसके डीमेरिट देखें ठीक क्लाइंट के, ये लेस सिक्योर होता है, रिलाय ऑन क्लाइंट टू कीप देयर ओन डेटा सिक्योर, यानी आप रिलाय कर रहे हैं एम्प्लॉय के ऊपर कि वो हमारी कंपनी का डेटा सिक्योर करके रखे, जो कि बहुत रेयर होता है, एम्प्लॉय कैन शेयर दिस डेटा टू कॉम्पिटिटर, एम्प्लॉय इस डेटा को सेल कर सकता है, ईच क्लाइंट नीड टू अपडेट डेटा एंड सॉफ्टवेयर इंडिविजुअली, हर क्लाइंट को जाके चेक करना पड़ेगा कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेटेड है या नहीं है, डेटा को अपडेट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तीसरा इशू क्या है, डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज, सिंस मैनी क्लाइंट एक्सेस द सेम डेटा विच कैन लीड टू इनकंसिस्टेंसीज, तो एक सेम डेटा के कह रहे ना कि डेटा इंटीग्रिटी इशू है, सिंस मैनी क्लाइंट एक्सेस द सेम डेटा विच कैन लीड टू इनकंसिस्टेंसी, तो चूंकि इसमें वो अपने अपने डेटा पे काम कर रहे हैं, खुद ही चेंजेस कर रहे हैं, तो उस इंटीग्रिटी का इशू आएगा कि डेटा सेम नहीं होगा, ठीक है, आगे मूव करें। ओके यस सर्वर कैन बी ऑफर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकर एंड मैलवेयर। सर दोबारा बोले क्या कहा आप? हमने कॉन्स्टेंट पढ़ा, हमने अभी तक कॉन्स्टेंट नहीं पढ़ा, हाँ उसका नहीं पढ़ा हमने, किसका, हमने बस प्रो पढ़ा, कॉन्स्टेंट नहीं पढ़ा हमने। ये वो मैंने डिस्कस जो कर लिए, ओके मैं यही तो डिस्कस कर रहा, पहले मैंने ये वाले किए, एक सेकंड, हाँ पहले मैंने ये वाले आपको बताए, फिर मैंने आपको ये बताया, ठीक है, आपने पढ़ने, चले हाँ द पढ़ ले, आप जल्दी से पढ़ ले। क्लाइंट्स लेस सिक्योर रिलाइज ऑन क्लाइंट्स टू कीप देयर ओन डेटा सिक्योर, ईच क्लाइंट नीड्स टू बी अपडेटेड डेटा एंड सॉफ्टवेयर इंडिविजुअली।
data integrity issues since many clients access the same data, which can lead into inconsistency, hard resolution on the server. If the server goes down or there is break in the communication link, then the device cannot work. Despite cheap hardware, the startup costs are generally higher than for thick clients. ठीक है, ये फर्दर थिन क्लाइंट्स आपके और थिक क्लाइंट्स आपके बारे में डिटेल दी। पहला पढ़े, Thick client software always relies on connection to a remote और server कंप्यूटर, or computer for और it to work. इसका क्या मतलब हुआ? रिमोट सर्वर कौन से होते हैं? वो जो डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। मतलब मैं कराची में बैठा हूँ और मेरे कंप्यूटर का सर्वर कहाँ पड़ा हुआ? न्यूयॉर्क पर। समझ आई? ठीक है, ये ऑफिस के अंदर भी होता है, मतलब रिमोट रिमोटली, मतलब विद इन द ऑफिस भी होगा लेकिन थोड़ा सा दूर होगा, और बहुत ज़्यादा दूर का मतलब किसी और सिटी में भी हो सकता है, किसी और कंट्री में भी हो सकता है। ऑलवेज रिलायज ऑन अ कनेक्शन टू अ रिमोट सर्वर और कंप्यूटर फॉर इट टू वर्क। अगर इसने काम करना है तो, क्योंकि सर्वर पे रिलाय करता है, किस पे रिलाय करता है? सर्वर सर्वर पे। पर हाँ, सर्वर सेकंड क्या लिखा है? सेकंड पढ़े। रिक्वायर्स वेरी फ्यू लोकल रिसोर्सेस सच एज SSD, RAM मेमोरी और कंप्यूटर प्रोसेसिंग टाइम. तो जाहिर है इसकी अपनी हार्ड डिस्क तो होती नहीं है, हाँ उस लिटल रैम होती है, ठीक, प्रोसेसिंग भी ना होने के बराबर होती है। रिक्वायर वेरी फ्यू लोकल रिसोर्सेज सच एज, वो जो बॉक्स पीछे हमने बॉक्स दिखाया था ना मैंने आपको, उसके अंदर ही सब कुछ होता है। लिटल रैम होती है, लिटल मेमोरी होती है, लिटल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, क्योंकि मेजर स्टोरेज कहाँ होती है? सर्वर के पास होती है। कहाँ होती है? सर्वर। सर्वर के पास. और मेजर प्रोसेसिंग भी वही होती है। हाँ, थर्ड पढ़ो जल्दी से। रिलायंस ऑन अ गुड स्टेबल एंड फास्ट नेटवर्क कनेक्शन फॉर इट टू वर्क. ठीक है, मतलब इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डेटा इज स्टोर्ड, डेटा स्टोर ऑन रिमोट रिमोट सर्वर और अ कंप्यूटर. सर, क्या थिक क्लाइंट में कंप्यूटर में क्या स्टोर हो सकता है? भी है थिन थिक में या थिन में? थिन में. में स्टोरेज नहीं होती ना, मैंने क्या बताया था, वो होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन जो मेजर स्टोरेज है, मेजर प्रोसेसिंग है ना, वो सर्वर में होती है। कहाँ होती है? सर्वर। आप थिक क्लाइंट पढ़े। क्लाइंट सर्वर कैन रन सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इवन व्हेन नॉट कनेक्टेड टू अ सर्वर. रिलाइज हेवनली ऑन लोकल रिसोर्सेज टॉलरेंट, मोर टॉलरेंट टॉलरेंट ऑफ अ ऑफ अ स्लो स्लोअर। नेटवर्क कनेक्शन. कैन स्टोर डेटा ऑन अ लोकल रिसोर्स सच एज हार्ड डिस्क, HDD और SSD. HDD का मतलब हार्ड डिस्क होता है, और SSD का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। यानी इनके कहने का मतलब है कि आप लोकली डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर है? तो ये काफी आज के लिए, या हम आगे पढ़ लें थोड़ा सा? करेक्ट। थोड़ा सा पढ़ ले. अब ये नेट टॉपिक है, नेटवर्क टोपोलॉजी। अच्छा, हम वो बनाते हैं ना लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, तो उसके अंदर जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, उनको किस तरह कनेक्ट करना है, यानी अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर, उसको कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ये लिखा हुआ, नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट, लिंक, नोड एटसेट्रा ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क।
यानी हम कंप्यूटर को आपस में किस तरह कनेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड लेआउट ऑफ कंप्यूटर, लेआउट ऑफ नेटवर्क या अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर. एसेंशियली इट इज द टॉपोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क एंड मे बी डिपेक्टेड फिजिकली और लॉजिकली. यानी टॉपोलॉजी या नेटवर्क स्ट्रक्चर ये फिजिकल भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है. इन कम्युनिकेशन नेटवर्क अ टॉपोलॉजी इज अ यूजली स्केमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इंक्लूडिंग इट्स नोड एंड कनेक्टिंग लाइन. नोड कहते हैं कंप्यूटर को या डिवाइस को. तो देर आर टू वेज ऑफ डिफाइनिंग नेटवर्क जियोमेट्री, फिजिकल टॉपोलॉजी एंड द लॉजिकल और सिग्नल टॉपोलॉजी. हम पढ़ेंगे फिजिकल, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? फिजिकल. द फिजिकल टॉपोलॉजी ऑफ नेटवर्क इज द एक्चुअल जियोमेट्रिक लेआउट ऑफ द वर्क स्टेशन. यानी वर्क स्टेशन आपस में कनेक्ट कैसे होंगे उसको हम कहते हैं टॉपोलॉजी. अभी आगे दिखाता हूँ आपको. ये देखें, हम जो पढ़ेंगे जो बेसिक है ना, वो होता है बस. क्या होता है? ये वाला बस टॉपोलॉजी. फिर बेसिक होता है एक स्टार, फिर एक और बेसिक होता है रे. बाकी जो है वो इसकी एक्सटेंशन होती है, जैसे मैश हो गया, जैसे ट्री हो गया, फुली कनेक्टेड हो गया. तो मेनली जो पढ़ेंगे बस, स्टार, रिंग, मैश और ट्री, ये सारे, ये क्या है? टॉपोलॉजी. इसमें देखें ना, कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कैसे, दिस इज द वे हाउ कंप्यूटर कनेक्ट. अब बस के अंदर क्या होता है? एक सिंगल वायर के थ्रू सारे कनेक्ट है. यानी मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद सिंगल वायर. इस तरह की अरेंजमेंट को कहते हैं बस टॉपोलॉजी. समझ आई? और ये जो स्टार है, इसमें देखें सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट है. ये सेंट्रल डिवाइस, जिसको हम कहते हैं हब या स्विच. ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू हब और स्विच. ठीक है, गॉट द आइडिया? तो और रिंग, रिंग में देखें फर्स्ट, ये फर्स्ट है, फर्स्ट का और ये लास्ट है. तो फर्स्ट कंप्यूटर कनेक्ट लास्ट, ये तो रिंग बन जाता है. जब भी फर्स्ट कंप्यूटर लास्ट कंप्यूटर से कनेक्ट होगा ना, तो इस तरह के अरेंजमेंट कहते हैं रिंग टोपोलॉजी. समझ आया? मैश में क्या होता है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है. ये यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है. अगर मैं यहाँ से यूँ भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से यूँ गया फिर यूँ आ गया, यहाँ से यूँ गया यहाँ पर यूँ आ गया और यहाँ. तो मैश में होता है मल्टीपल पाथ होते हैं. अब ट्री में जो है, ये इसमें एक दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क जब आपस में वर्क कनेक्ट होते हैं उसको कहते हैं ट्री, या हायरार्किकल कहते हैं, ट्री कहते हैं. ये आगे जाके डिटेल आएगी सबकी. समझ आए? हाँ ये लिखा है बस टोपोलॉजी, ये पढ़े जरा. अल्टरनेटिव प्रेफरेंस टू अलाइन रेफर 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 टू एस, रेफर टू एस टू एस अलाइन ऑफ लाइन टोपोलॉजी. टोपोलॉजी. सर टोपोलॉजी एग्जैक्टली वो जो कनेक्टेड है हाँ, वो असल में बस. बस भी कहते हैं और लाइन टोपोलॉजी भी कहते हैं ना. यानी एक सिंगल केबल के थ्रू जो कनेक्टिविटी है, तो उसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी. ठीक है, पढ़ ले. बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क सेट अप इन व्हिच ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल और बॉन्ड. ठीक है, तो अगर हम सिंगल केबल के थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करें ना, इस तरह के अरेंजमेंट कहते हैं बस टोपोलॉजी. क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी. बस अपॉलॉजी. ये यहाँ पे ना फर्दर डिटेल दी, ये पढ़े जरा. बस टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंट फ्रॉम अ नोड, नोड्स ट्रेवल अलोंग द बैकबोन अंटिल इट्स रीच इट्स डेस्टिनेशन रोड. एक सेकेंड होल्ड कीजिए. ये देखिए, ये जो पहला पॉइंट लिखा है ना, इंफॉर्मेशन सेंट फ्रॉम अ नोड यानी अ कंप्यूटर ट्रेवल अलोंग द बैकबोन
अंटिल इट रीचेज इट डेस्टिनेशन नोड। तो देखिए फर्ज कर लें कि ये है, अब ये है कि अब ये देखें, अब ये कंप्यूटर है ना, इसने डेटा सेंड किया, तो ये नेटवर्क पाथ, इस पे ये डेटा मूव करता रहे, इस पे ये नेटवर्क डेटा मूव करता। अच्छा, तो ये डेटा फ्लो मूव करता रहेगा जब तक कि फर्ज करें ये वाला कंप्यूटर इसको एक्सेस ना कर ले। हर कंप्यूटर अपना डेटा चेक करेगा बिफोर, ठीक है, और अगर उसका डेटा उसका एड्रेस मैच कर जाता है तो उसको कॉपी कर देगा। मेरा पॉइंट समझ में आया? इस कंप्यूटर ने डेटा सेंड किया, हाँ इधर ये डेटा मूव करता रहेगा, ठीक है, बाउंस बैक होता रहेगा, उस वक्त तक मूव होता रहेगा जब तक कि ये वाला कंप्यूटर जिसको मैंने भेजा है ये कॉपी ना कर ले। अच्छा, ये भी चेक करेगा, ये भी चेक करेगा, ये भी चेक करेगा, लेकिन इनका एड्रेस मैच नहीं होगा। अगर एड्रेस मैच नहीं हो रहा तो ये छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। एड्रेस वही डेटा वही पिक करेगा जो जिसका एड्रेस, फर्स्ट क्लास इसका एड्रेस, क्योंकि जब मैं भेजूंगा ना तो एड्रेस पैकेट डेटा के साथ एड्रेस भी भेजूंगा, एड्रेस के साथ डेटा के साथ एड्रेस भी भेजूंगा। ये पॉइंट क्लियर? हाँ ठीक है, तो काफी आज के लिए, कल मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट करूं। आपके पास लैपटॉप है ना? इंशाल्लाह। लैपटॉप है ना आपके यस पास? सर, ठीक है, पहले यस सर, ठीक मैं आपको VS कोड इंस्टॉल करवा दूंगा, ठीक है, फिर हम उसका प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे HTML का। HTML किया हुआ आपने पहले? ठीक सर। है, तो कल इंशाल्लाह कंटिन्यू। हाँ, ठीक कोडिंग क्या था ड्रीम वीवर में? है, ड्रीमवीवर में किया था ना, VS कोड में करेंगे। ठीक हाँ है, जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। VS कोड इंस्टॉल है आपके पास? नहीं सर, चलिए फिर कल देखते हैं इसको इंस्टॉल करवा। ओके, अल्लाह ओके हाफिज़। सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।